इस लेक्चर में हम अल्फा और लूमा मैट के ऊपर बात करेंगे। मैट क्या होते हैं हमारे पास फोटोग्राफी में या फिर कोई स्पेशल इफेक्ट्स में, फिल्म मेकिंग में आपके पास एक ऐसी टेक्निक कि आप दो या उससे ज़्यादा इमेजेस को आपस में कंबाइन कर दें। कंपोजिटिंग भी हम यूज़ करते हैं लेकिन वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में होती है, डिफरेंट उसकी अप्रोच होती है। मैट असल में अल्फा की और लूमा की सपोर्ट से इसको मैट करता है। अल्फा की क्या होती है हमारे पास कि अगर हमारे पास किसी भी वीडियो के या किसी भी हमारे पास कोई इमेज है, अगर उसके कोई तीन चैनल होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट रेड ग्रीन ब्लू आपने सुना होगा आरजीबी चैनल्स, एक चौथा चैनल भी होता है जो बेसिकली अल्फा चैनल होता है और वो रिप्रेजेंट करता है उसकी ट्रांसपेरेंसी को। इसके अलावा जो लूमा है हमारे पास, लूमा निकला है वर्ड लुमिनेंस से और जिसका मतलब है लाइट एरियाज या फिर ब्राइट एरियाज। तो नाम से ही हमें पता लगता है कि जो लूमा मैट है वो बेसिकली ब्राइट एरियाज पे काम करता है और उसको फिर मैट दूसरे क्लिप्स के साथ करता है। डिफरेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ, अल्फा काम करता है ट्रांसपेरेंसी पे और जो लूमा है वो ब्राइट का एरियाज पे या लुमिनेंस के ऊपर काम करता है। इससे आप बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेशंस बना सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर इसको यूज़ कर सकते हैं और एस्थेटिकली अगर आप इसको स्मार्टली लेके चलेंगे तो आप बहुत ही स्पेशल लुक अचीव कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फा मैट को देखते हैं और उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डीजी स्केल्स और फर्दर इसकी अलाइनमेंट कर लेता हूँ, इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ फ़िलहाल ताकि बाद में मैं इसको मूव कर लूँ। टेक्स्ट का साइज़ भी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, एक शेप लेते हैं यहाँ पर और उस पर हम अल्फा मैट अप्लाई करेंगे। इस वक्त मैं जो शेप ले रहा हूँ मेरे पास इस तरह का एक स्क्वायर है और उसके बाद मैं इसको शेप को रख लेता हूँ इसके नीचे, क्योंकि अल्फा मैट और लूमा मैट दोनों के लिए ज़रूरी है कि जिसको भी आपने करना हो तो उनकी जो तरतीब है बेसिकली लेयर्स की वो बहुत ज़रूरी है कि वो उसी हिसाब से हो। और इस पर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं आ रही हो तो आप यहाँ से टॉगल स्विचेस पे जा सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे डिफरेंट मोड्स होते हैं और यहाँ पर मेरे पास इसके साथ ही अल्फा मेट की ऑप्शन मौजूद है और ये साथ में लिखा भी आ रहा है डीजी स्केल जो कि इससे ऊपर वाली लेयर है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब उसने आपकी जो नीचे शेप थी उसके साथ इसको मैट कर दिया है और इस वक्त सिर्फ इस शेप के थ्रू आपको वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है। मैं इसको इस वक्त फिज़िकली मूव कर रहा हूँ और अगर मैं इसको यहाँ से एनिमेट कर लूँ पोजीशन में जाके तो आपको कुछ, हम पहले होम पे जाएंगे और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे, 2 सेकंड की एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट करते हैं और यहाँ से इसको मैं तो इसने बेसिकली क्या किया है अभी इस वक्त कि जो पीछे लेयर थी टेक्स्ट की और इस लेयर को इसने यहाँ पर अल्फा मैट अप्लाई करके सिर्फ उसी एरिया को विजिबल किया जो इसकी शेप थी। इसको हम चाहें तो यहाँ से इन्वर्ट करें तो इस वक्त उसने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया। अब आपका जो टेक्स्ट है बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट है और आपकी जो उसकी लेयर जो शेप की एक्चुअल वीडियो थी वो आपको यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रही है। तो ये तो एक बेसिक सी इसकी एग्जांपल थी। मैं इसको अप्लाई करता हूँ अब फुटेज के साथ और उसके लिए मैं इस शेप को यहाँ से डिलीट कर दूँ और मेरे पास यहाँ पर कुछ फुटेजेस मौजूद हैं, इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा, स्केल मैं इसका 50 कर लूँ क्योंकि ये 4K है। तो इस वक्त हमारी टेक्स्ट की लेयर है, इस वक्त ये लेयर हाइड हो जाती है क्योंकि जब आपने अल्फा मैट अप्लाई किया तो ऊपर वाली लेयर यहाँ से बंद हो जाती है, इसको मुझे ऑन करना होगा। इस वक्त मेरे पास टेक्स्ट की लेयर शो हो रही है ऊपर। अब मैं इन दो फाइल्स को मैट करूँगा और अल्फा मैट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर अल्फा मैट सेलेक्ट करूँगा अगर, तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी एक्चुअल वीडियो थी वो इस वक्त सिर्फ आपको इस एरियाज़ में नज़र आ रही है। इस वीडियो को मैं अगर अलाइन करूँ तो इस वक्त जो ब्लैक एरियाज़ हैं आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के तौर पर वो इसको ले रहा है क्योंकि वो अल्फ़ा के हिसाब से लेता है, और जो जहाँ पर दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको ऊपर वाली पूरी लेयर उसके अंदर नज़र आ रही है। फर्दर अगर मैं चाहूँ तो एक और
भी आपको इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर हम इसकी जगह यहाँ पर एक ग्रेडियंट ऐड करें, और उसके लिए मैं यहाँ पर सॉलिड लूँगा, न्यू सॉलिड। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आपको कलर ही देगा, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इफ़ेक्ट्स में जाके यहाँ पर ग्रेडियंट लिखेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट रैम्प का इफ़ेक्ट आएगा, जो कि आप इस सॉलिड लेयर पे अप्लाई करेंगे। और आप चाहें तो फर्दर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जितना आपको कलर चेंज करना हो या फिर आपको ग्रेडियंट की पोजिशन चेंज करनी हो। तो इस पर ट्राई करते हैं अल्फ़ा मेट। नीचे वाली लेयर हमारी इस वक्त बंद है और इस पर अल्फ़ा मेट ट्राई करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास ग्रेडियंट की फॉर्म में आ रहा है, और जो ट्रांसपेरेंट एरियाज़ हैं जो वो उधर आपको वो नहीं शो करेगा, क्योंकि वो ब्लैक एरियाज़ थे, और इसके ऊपर जितना भी आपके पास वाइट एरिया है उसको वो बकायदा विजिबल करेगा। तो बड़े कूल किस्म के आप इस पर इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं, जिस तरह के हमने अभी वीडियो के साथ बनाया। हम किसी दूसरी वीडियो को चाहें तो वो बिल्कुल उसके अंदर आ जाएगी। ऐसे इसको मैं ऊपर करता हूँ, अगेन तरतीब बहुत ज़रूरी है इसकी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने इसको अल्फ़ा मेट किया, ये जो मैंने ये लेयर लगाई थी, इसको डबल क्लिक करके हम देख सकते हैं कि ये लेयर थी वो, और वो पीछे इस तरह मूवमेंट में है, और उसके भी नीचे एक और लेयर है जिसके अंदर ये आग है। ये जो वाटर वाली थी हमारे पास क्लिप, ये मैट हुई उसके ऊपर वाले के साथ। अपनी कंपोजिशन में हम यहाँ से जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि ये जो उसके ऊपर लेयर थी उसके ऊपर आपके पास वो वाली लेयर आ रही है। इसको प्ले करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं वो वीडियो थी एग्जैक्टली उस तरह मूवमेंट में। आप चाहें तो इस लेयर की पोजीशन अरेंज कर सकते हैं, जो एरियाज़ आपको चाहिए को कर सकते हैं, और इवन कि आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। मे बी आपको अगर टेक्स्ट ऊपर चाहिए हो, आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिजल्ट्स चाहिए। ये लेयर हमारे पास एडिशनल है, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो इस वक्त हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड है जिसके अंदर मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, और अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये एक कम्बिनेशन बना हुआ है जिसमें पीछे आग है, ऊपर पानी है, और डीजी स्किल के अंदर पानी है, बाकी उसके आसपास पानी नहीं है, उसके पीछे आग है। तो बड़ा ही एक डिफरेंट किस्म का आपके पास ये इस वक्त जो है लुक अचीव हुई है। तो अल्फा मेट के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बना सकते हैं। आपने देखा कि हमने बेसिकली दो चीज़ों को कंबाइन किया। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पर अपने लूमा मैट को, और उसके लिए मेरे पास यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, बड़ी ब्राइट सी कलरफुल इमेज है। इसका स्केल हम डाउन कर लेते हैं, एक्सप्रेस किया शॉर्ट की, और उसके बाद मैनुअली या माउस से मैंने इसका स्केल मैंने कम कर दिया। और लूमा मैट को समझाने के लिए एक हम सॉलिड लेयर ले लेते हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर एक ग्रेडियंट अप्लाई करके देखते हैं, ताकि हमारे पास लुमिनेंस और उसकी ट्रांसपेरेंसी दोनों मौजूद हों। अभी मैंने सॉलिड लेयर ले ली किसी भी कलर की आपके पास, यहाँ से मैंने ग्रेडियंट इफ़ेक्ट लगाया इस पर, और मेरे पास इस तरह से ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट आ गया। चाहूँ तो इसको इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ अपने ग्रेडियंट की, वो अगर हम यहाँ से कर लें, या थोड़ा सा हम ब्लैक बढ़ा लें, और फर्दर उसके अलावा आप इसको इसके एंगल्स वगैरह चेंज करके भी देख सकते हैं। ऊपर लेयर में मेरे पास ये ग्रेडियंट वाली फाइल है जो कि मैंने सॉलिड पे अप्लाई किया, और उसके नीचे मेरे पास ये ब्राइट सी इमेज है, और इसको यहाँ से मैंने जाके लूमा मैट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त उसने उतने एरिया को वहाँ पर मैट कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया इसके साथ। इस वक्त आपके पास ब्लैक कलर आ रहा है क्योंकि आपकी जो कंपोजिशन है उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर भी ब्लैक है। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल के और बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँ, कोई सा भी कलर हम डार्क सा रख लेते हैं, ओके करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो इमेज है आपकी वो इतने एरिया से, जितने एरिया में आपका ये वाली ग्रेडियंट वाली फाइल थी जिसमें रेड था ज़्यादा, तो वो एरिया आपका इस वक्त ट्रांसपेरेंट हो चुका है। फर्दर अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँ तो आप देख सकते हैं के साथ साथ उतना एरिया वो और उसको ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। इसका हमने साइज़ बढ़ाया और अभी इतना एरिया हो गया, ये ट्रांसपेरेंट है। इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए अगर हम चाहें तो कोई और भी इस पर हम फाइल रख सकते हैं, कोई और भी इमेज या फिर वीडियो रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने यहाँ पर ये वाली फाइल रखी थी, और इस वक्त
क्योंकि यहाँ से हमने जो लूमा किया था उसने इसको ट्रांसपेरेंट किया, और अगर मैं इसको इन्वर्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास इन्वर्ट हो चुका है, आपके पास पिछली वीडियो और एक्चुअल वीडियो वो वाली भी आपको नज़र आ रही है। दोनों ऑप्शन आप देख सकते हैं जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट हो। फर्दर अगर मैं इसके ग्रेडियंट में जाके, अभी हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर लिया था, इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाके इन दो लेयर्स को ऑफ़ करता हूँ, इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, यहाँ से हम लूमा भी ऑफ़ कर देते हैं, इनके कंपोजिशन में जाएंगे, और इसको अगर मैं यहाँ से कोई और ऐसा ब्राइट कलर ले लूँ, क्योंकि जो वहाँ से इसको लुमिनेंस मिले तो कलर कोई भी हो आपके पास वो ऐसे ही अप्लाई करेगा। आप देख सकते हैं इसने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, और जो रेड है वो इस ग्रेडियंट का रेड नहीं है, वो इस बैकग्राउंड का रेड है, जो कि अगर ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हम ओके करेंगे तो इस वक्त यहाँ पर वो आपको ब्लैक ही नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कलर चेंज करने से भी ये ब्लैक की तरफ और उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है लुमिनेंस, और अगर मैं डिफरेंट शेड्स में जाऊँगा तो उस हिसाब से उसको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इसको थोड़ा सा मोर ट्राई करते हैं, और अभी मैं इस पर ग्रेडियंट की लेयर जो कि सॉलिड के ऊपर मैंने ग्रेडियंट लगाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अपनी इन लेयर्स को देखता हूँ। अगेन तरतीब बहुत ज़रूरी है जिस तरह से इसने उसको लुमिनेंस करनी है। अगर मैं इसको इस तरह अरेंज कर लूँ, ये लेयर ऊपर, और प्लस मैं इसको फ़िलहाल नन करके इस पर लूमा अप्लाई करूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने आपको बैकग्राउंड का वो एरिया जहाँ पर लुमिनेंस थी उसको निकाल के बाकी चीज़ें एज इट इज़ आपके पास वैसे ही आ रही हैं, क्योंकि वो कलर्स में थी। तो एक तरह से ये ब्लेंड भी कर रहा है इसको, लेकिन जो कंसिडर करने वाली चीज़ है वो ये है कि वो लुमिनेंस को मैट करता है उसके साथ, और अल्फा मैट में अल्फा को मैट करता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने अक्सर ट्रांजिशंस भी बनती हुई देखी होंगी इससे। स्पेशल इफ़ेक्ट्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया, बाकी आप इसको खुद ही चीज़ों को ट्राई करें, डिफरेंट इमेजेस के साथ, डिफरेंट वीडियोस के साथ इसको अटेम्प्ट करें और अपनी डिज़ायर्ड लुक अचीव करें। नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।